स्माइली जो, मैं आप सबका स्वागत है। आज मैं ये नवंबर मंथ का फैब बैग अनबॉक्स और रिव्यू करने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं इसमें मुझे क्या क्या मिला है। सो दिस इज हाउ द बैग लुक्स लाइक। ये बहुत ही क्लासी है और आप देख सकते हैं ये ऑरेंज व्हाइट एंड गोल्ड कलर के स्पार्कल के कॉम्बिनेशन में है, और आप देख सकते हैं नीचे ये गोल्ड कलर का स्पार्कल भी गिर रहा है। ये चमकी है गोल्ड कलर का, जो कि अगर आप इसे टैप करोगे तो नीचे गिरेगा। वाओ, ये गिर रहा है, शायद आपको कैमरा में कैच नहीं होगा। अभी हम इसे इस तरह ओपन करेंगे और हमें एज यूजुअल यहाँ पर मिलता है दो कार्ड्स, और ये एक है फैब बैग कंटेस्ट कार्ड और ये कंटेंट्स ऑफ दिस मंथ कार्ड द ब्यूटी रिचुअल्स, इस मंथ का थीम है। और मुझे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट्स मिले हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर मिला है पर्पल एसेंशियल नेचुरल विंटर चेरी रोज ऑयल लिकरस होली बेसल का फेस पैक। बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है और ये फुल साइज प्रोडक्ट है और इसका प्राइस है 360 रुपीज। यहाँ पर मुझे 25 ग्राम्स का प्रोडक्ट मिला है। एंड वेलकमिंग टू द प्रोडक्ट, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इट लुक्स लाइक अ मड। ओह माय गॉड, इट स्मेल्स वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत ही थिक फॉर्मूला लग रहा है। सेकेंड प्रोडक्ट इज एन सेबामेड एंटी ड्राई रिवाइटलाइजिंग शैम्पू, एंड हियर आई गॉट 20 ml ऑफ प्रोडक्ट विच रिटेल्स फॉर 93 रुपीज। आई थिंक दिस इज अ सैम्पल साइज प्रोडक्ट, एंड आई थिंक सो इट इज सैम्पल साइज प्रोडक्ट। सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। वाओ, इट स्मेल्स ग्रेट, रियली इट स्मेल्स ग्रेट। शायद मुझे ये 2 बार के लिए आ जाएगा, बस उतना ही। वेलकमिंग टू द थर्ड प्रोडक्ट, ओ दिस इज शुगर्स मजमी नॉट लिक्विड लिपस्टिक। आई चोज द शेड गोटा टेराकोटा। सो मुझे ये मेल आया था सेलेक्ट करने के लिए शेड, और उन्होंने वहाँ पर लिखा था कि वो स्मॉल साइज है, पर मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना स्मॉल होगा। ये सैम्पल साइज है, यस ये सैम्पल साइज है, और ये बहुत ही छोटू सा है। एक्चुअली मेरे पास शुगर का है पर इतना छोटा वाला नहीं है, एक्चुअली ये सैम्पल है। और पता नहीं क्यों सैम्पल प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए फैब बैग वाले ने सेंड किया था मेल। एंड यू कैन सी दिस, दिस कलर इज सो ब्यूटिफुल। और मेरे पास इस तरह के कलर कुछ नहीं है, ये ब्रिक कलर की है और मेरे पास ये कलर नहीं है, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस ईयर। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ऑल्सो फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स एंड इट इज बॉर्न टू विन जेल आई लाइनर इन द शेड 02 रेड हाउस ब्लूज। दिस इज वॉट आई एम थिंकिंग, वाओ। मुझे यहाँ पर जेल आईलाइनर मिला और वो भी ब्लू कलर का। आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव दिस ईयर। एक्चुअली वहाँ पर मतलब स्नीक पीक में फैब बैग में, मतलब फैब बैग वाले ने जो स्नीक पीक दिखाया था वहाँ पर, तब एक्चुअली आई पेंसिल्स था और उसके बाद ये वाला दिखाई दिया उनके स्नीक पीक पर, तो मैंने सोचा था कि मुझे वो नहीं आएगा, शायद ये आएगा, और मुझे सच में यही आ गया। आई रियली लव इट। जेल आईलाइनर शुगर कॉस्मेटिक्स का ये न्यू लॉन्च है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका ब्रश है। सो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर मी इन दिस मंथ बॉक्स। लेट मी सी व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस। ओ, दिस रिटेल्स फॉर 599 रुपीज, विच इज वेरी गुड। सॉरी गाइस, आई फॉरगॉट टू मेंशन, दिस रिटेल्स फॉर 170 रुपीज एंड इट कंटेन्स 1.5 ml of product. And the next and last product of this month's fab bag is from Fuchsia hydrating face gel and it retails for 250 rupees. It is 50 grams of product. I really like Fuchsia products kyunki ye natural ingredients hai, or this is how it looks like. Let me open it. Open ho ja. Oh my god, it smells so strong, but can you see, this is not the box color, but ye gel ka color purple hai. Seriously guys, ye gel ka color purple hai, aur yeah, it feels so smooth. Purple color ka gel main pehli baar dekh rahi hun. Agar aap ye gel hand par loge to ye light purple dikhega, jo ki aapko camera mein nahi dikhai dega, par actually ye gel purple color mein hai aur
ये अच्छी मॉइस्चराइजिंग है और लाइक एलोवेरा और बैम्बू जेल की तरह ही है. या आई रियली लव टू ट्राई दिस ऑन माई स्किन हेयर. सो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स विच आई गॉट इन दिस मंथ फैब बैग. आई रियली लाइक्ड दिस मंथ फैब बैग. ओनली द वन फैक्ट दैट आई गॉट दिस बैग लेट, बट दैट इज ऑल्सो प्लस पॉइंट फॉर मी, क्योंकि अगर मुझे पहले मिल जाता तो मुझे आई पेंसिल मिलता, पर मुझे उसके बाद मिला है ना, इसीलिए ये वाला मुझे मिल गया. और मुझे ये वाला प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आई रियली लाइक ब्लू कलर जेल आईलाइनर्स. यार पता नहीं, मुझे अभी जेल आईलाइनर्स का क्रेज़ लग गया और ब्लू कलर में है तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा ही लगेगा. तो सो दिस इज़ व्हाट माय फैब बैग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू गोस ऑन. आज के लिए इतना वीडियो है दोस्तों. नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए कि आपको भी ये जेल आईलाइनर मिला या पेंसिल मिला इस मंथ फैब बैग में. और तो फिर मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.